क्वेश्चन नंबर वन, माइनस का 3/5, ये एक रीजन नंबर दिया गया है, इससे हमें अदर रीजन नंबर फाइंड करने हैं जिनके लिए हमें डिनोमिनेटर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डिनोमिनेटर दिया गया है हमें 20। तो सबसे पहले हम जो रीजन नंबर जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले जो गिवन रीजन नंबर दिया है उसको हम सबके साथ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर जो दिया गया है हमें दिया गया है 20। तो 20 जो डिनोमिनेटर दिया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 4। तो 4 का जो मल्टीप्लाई है हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर देंगे। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 4 = 20 और ये हो गया 3 × 4 = 12। अब यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 1। ऐसे ही सेम सेकंड है, इसके लिए डिनोमिनेटर दिया गया माइनस का 30। अब माइनस का 30 दिया गया है तो सबसे पहले हमने इसका इसमें डिवाइड दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा 5 × 6 = 30, 6 times किया हमारा, 6 times किया, लेकिन आंसर आ रहा है हमारा माइनस का। तो हम माइनस के 6 से जो काम हम नीचे करेंगे वही हम ऊपर करेंगे। तो माइनस के 6 से हम नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो हम न्यूमिनेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। ये ऑलरेडी हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, यहाँ से हमने 5 का डिवाइड किया 35 में, तो यहाँ से 7 times किया हमारा, 7 times का हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हमारा 21 हो गया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा माइनस का 40 है, तो इसका इसमें डिवाइड किया तो हमारा 8 times किया, लेकिन हमें डिनोमिनेटर माइनस का लेके आना है तो उसके लिए माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो न्यूमिनेटर में भी हमने किया तो माइनस का, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा और 8 × 3 = 24। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए रीजन नंबर दिया गया है, आपकी एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दिया है, वीडियो एक पिक सेंड कर दिया मैंने ग्रुप में, उसमें आपकी एक्सरसाइज दी है। जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें। तो माइनस का 42/98 दिया गया है, जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर जो दिया गया है, जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो दिया गया है आपका 7। तो इस 7 से अभी हमने देखा था यहाँ कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर जो था स्मॉलर था और जो आंसर जो आ रहा था हमारा ग्रेटर आ रहा था। अब देखा हमने कि यहाँ हमें गिवन जो दिया गया है वो पहले से ग्रेटर दिया गया है और डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर आ रहा है हमारा। तो हमने देखा कि इसका पहले से हमारा जो डिनोमिनेटर दिया गया है इसका हमने डिवाइड किया, इसमें हमने डिवाइड किया तो ये गया हमारा 14 times। 14 का अगर हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो काम हम नीचे करते हैं वही हम ऊपर करेंगे, तो हम 14 का डिवाइड ऊपर करेंगे तो ये 3 times जाएगा और ये माइनस का दिया है और ये प्लस का दिया है तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। सेम इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें डिनोमिनेटर लेके आना था 5। डिनोमिनेटर हमारा 5 कब आएगा जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया हमने कितने टाइम्स किया, 12 times किया। 12 का हम डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में कर देंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हमारा आंसर आएगा और ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया है जो हम पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह से इसके 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं वो आपको अपने आप करने हैं। तो उसमें सबसे पहले दिया गया है कि हमारा माइनस का 12/30। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एससीएफ सबको निकालने आता ही है, तो 12 और 30 का हमने एससीएफ निकाल लेंगे तो 12 और 30 का एससीएफ हो जाएगा हमारा 6। जो एससीएफ आएगा उससे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 से लेके 4 तक कंप्लीट हो जाते हैं।